AI यार जिसको देखो इसी की बात कर रहा है, वो भी डर डर के। क्या आपको भी जॉब जाने का खतरा हो रहा है? आपका भी काम कभी ये AI ना शुरू कर दे? आपको भी इसी बात का डर है ना? आइए जानते हैं ये AI वरदान है ये श्राप। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नैतिक कसाना और आज हम बात करने वाले हैं हम इस टाइम की सबसे हाईफाई एडवांस टेक की, AI। यस, आपने सही सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या ये देखते ही देखते घर बना देगी? अरे नहीं यार, ये वो AI नहीं है। ये सुन के आपके मन में बहुत से सवाल और बहुत से थॉट आए होंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? फ्यूचर की मूवीज धीरे धीरे हकीकत बन रही है। रोबोट, स्मार्ट मशीन और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे हमें समझने में माहिर हो रही है। तो चलिए आज हम इसी हॉट टॉपिक को शुरू करते हैं कि कैसे AI हमारी दुनिया को बदल रहा है और फ्यूचर पर इसका क्या असर होने वाला है। तो बेल्ट बांध लीजिए, ये सफर होने वाला है हाई टेक। अगर आप AI से अनजान हैं, तो बस इतना समझ लीजिए AI वो टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ह्यूमन की तरह सोचने और काम करने की कैपेबिलिटी देता है। वैसे तो 5-7 ईयर्स से इस टेक्नोलॉजी पर काफी तेजी से काम चल रहा है और इसको सबसे पहले नोटिस किया गया था जब ChatGPT 3.5 वर्जन का नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और एक नई रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होते ही इतना पॉपुलर हुआ कि इसे सिर्फ 5 डेज लगे 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम बात करें सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म की, इसे भी अराउंड 2.5 मंथ का ही टाइम लगा था इतने ही यूजर तक पहुंचने में। यस, हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की। दोस्तों ये तो बस एक शुरुआत है, आप लोग सोच और समझ भी नहीं पाएंगे कि AI आपकी आम जिंदगी में किस तरह घुलने वाला है। अगर हम बात करें AI वर्ड को सुनने के बाद हमें डर लगना चाहिए या खुश होना चाहिए, तो आइए हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। ये सुन के सबसे पहले मन में जो आपके ख्याल आएगा वो आता है जॉब्स का। क्या हमारी जॉब सेफ है? एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक AI और ऑटोमेशन की वजह से लगभग 40 करोड़ जॉब पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगी। हालांकि न्यू टेक्नोलॉजी के कारण नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और अगर हम बात करें मेडिकल सेक्टर पर, तो AI का यूज हेल्थ फैसिलिटी में भी काफी हो रहा है। अगर हम बात करें IBM वॉटसन जैसे AI सिस्टम कैंसर की पहचान और उपचार में हेल्प कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार AI की मदद से कैंसर की पहचान 95% एक्यूरेसी के साथ की जा सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए AI डायग्नोस्टिक डिवाइसेस का यूज अब 90% से ज्यादा एक्यूरेट हो रहा है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक ग्लोबल एजुकेशन में AI के उपयोग की दर 47% तक पहुंच गई थी। अब एक नज़र हम ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर इससे होने वाले इफेक्ट को देखें तो PwC की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक AI का ग्लोबल अर्थव्यवस्था में योगदान 15.7 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि उस समय की ग्लोबल GDP का लगभग 14% होगा। McKinsey ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार AI टेक्नोलॉजी का 70% से अधिक बिजनेस में यूज हो रहा है। ज्यादातर फाइनेंशियल, हेल्थ, रिटेल जैसे सेक्टर में, इनमें से कुछ बिजनेस में AI का इफेक्ट 20-25% तक के रेवेन्यू ग्रोथ में योगदान दे रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट पर इसके असर की, तो गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक AI के कारण 1.8 मिलियन नौकरियों का नुकसान हुआ है, लेकिन इसके अपोजिट 2.3 मिलियन नई जॉब्स भी आई हैं, जो AI, डाटा एनालिसिस और अन्य नई टेक्निक्स के कारण संभव हुई हैं। लिंक्डइन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 तक AI और डाटा साइंस के संबंधित जॉब्स में 74% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। एथिकल और सोशल चैलेंजेस की बात करें तो सबसे ज्यादा लोगों को खतरा होगा। आपके अपने पर्सनल डाटा, क्या वो सेफ है? क्या वो हैक तो नहीं हो जाएगा? ये सब सवाल भी AI के वजह से ही उठने लगे हैं। एक और बड़े प्लेटफॉर्म पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वो है सोशल मीडिया। आप पता नहीं लगा पाएंगे क्या ओरिजिनल है और क्या फेक। ऐसे काफी टूल मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप किसी और का फेस किसी और के फेस पे लगा सकते हैं और वॉइस चेंज कर सकते हैं।
जिससे ये क्राइम सेगमेंट को भी बढ़ावा दे रहा है। सोचो क्या हो अगर किसी बैंक में चोरी हो और उसके कैमरे में उसकी फेस की जगह आपका फेस हो। हाँ, ये डरने वाली बात है। ये सभी चीजें AI को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। यहाँ अगर हम बात करें AI विद रोबोटिक्स की, तो रोबोट्स का उपयोग अब गोदामों में सामान को इधर से उधर रखने, मैनेज करने में और सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जा रहा है। 2023 तक ग्लोबली रोबोटिक्स मार्केट का वैल्यूएशन 80 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें AI का सबसे बड़ा रोल है। कैसा हो अगर एक दिन AI खुद को ही कमांड दे, मेक वन मोर AI मोर इंटेलिजेंट देन मी। सोच के भी मेरे तो गूजबम्स आ गए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों AI के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो इस टॉपिक को अभी फिलहाल इधर ही खत्म करते हैं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल नैतिक कसाना को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।